कल मैं एक दादी से मिली जो अभी अभी दादी बनी थी और सबको मोहल्ले में मिठाई बांट रही थी खुशी खुशी। तो किसी ने जनरली उनसे क्वेश्चन कर लिया कि अरे आप तो अब बिज़ी होने वाली हो, दादी बनने के बाद तो आपको टाइम ही नहीं मिलने वाला। उनका एक जवाब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बहुत आराम से खुश होते हुए और फर्मली ये बात कही, नहीं ये बच्चा मेरी बहू और बेटे का है, मैं तो वो जो कहेंगे मैं वो करूँगी। उनके पास नॉलेज का भंडार है, इंटरनेट भरा हुआ है, लोग सलाह दे जाते हैं, मैं उसमें और एडिशन नहीं करना चाहती। मैं बस वो जो कहेंगे उनकी जो एक्सपेक्टेशन होगी बच्चे रखने की मैं वो करूँगी और मैं इंजॉय करूँगी, बच्चे को खिलाऊंगी थोड़ी देर उनके जो उनका तरीका है, क्योंकि मैं बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना चाहती कि बच्चे को मैं अलग तरीके से कोई बात सिखा रही हूँ और मेरा बेटा और बहू अलग तरीके से बात सिखा रहे हैं, तो दो अलग बातें होने से बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस बात में कि मैं अपने पोते को सिर्फ उतनी ही हेल्प दूंगी जितने उसके पेरेंट्स मुझसे चाहते हैं, मेरे बेटा और बहू मुझसे चाहते हैं। सच में शायद 53 या 54 की वो दादी थी, जो उनकी एज ये होगी, इतनी समझदारी की बात उन्होंने कही कि हम सब जो भी हम वहाँ खड़े थे सब उनकी इस बात से सोचने पे मजबूर हो गए कि हम दादी या नानी बनते ही अपने आप पे इतना लोड क्यों ले लेते हैं, कितना आसान है ये तो।